हाँ, तो अब हम इसके एक और पॉइंट में, मैंने बोला कि एक और पॉइंट पे चेक करते हैं, तो अब मान लो कि आप चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 4 पे, लेट इस पे चेक करने जा रहे हैं। तो देखो x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे तो ये आपका कोई कहेगा पहले हम a of 4 = a of 4 + a of 4 - = finite, चक्कर वही है, बेसिक डेफिनेशन बार बार वही रहेगी। ए ऑफ फोर अगर कोई निकालने के लिए कहेगा तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, इधर साइन 1, फिर क्या आया साइन 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कितना बोलो 4, और ये हो गया। अब यहां से अब हमको ये पता करना है कि भाई ये साइन 4 की वैल्यू कितना होगी, क्या आएगा साइन 4। तो ग्राफ बनाते हैं, ये देखो ग्राफ रहा ऐसे, ये इसका ग्राफ रहा, साइन का ग्राफ हो गया, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, पाई का मतलब है 3.14, 4 आएगा, ये की वैल्यू है आपकी 3π/2, 3π/2 का मतलब कुछ आपका कि ये कुछ 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3.14 4.5 के बीच में ही कहीं ये 4 आएगा, तो 4 कहीं यहाँ रहा, और 4 यहाँ रहा मतलब इसके रिगार्डिंग वैल्यू ये आया, और जो ये वाली वैल्यू है वो आप देखो ध्यान से बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है -1 और 0 इसके बीच में कहीं आ रहा है, मतलब 0 से कम हो रहा है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से कम, और कितना कम, बहुत थोड़ा सा, और कम तो इसकी वैल्यू हो गई -1, मतलब हमारे लिए a of 4 आ गया फिलहाल में -1, बहुत शानदार। जरा आगे देखते हैं कि f ऑफ -4, तो अब f ऑफ 4 तो निकाल लिया -1, अब हम निकालने वाले हैं f ऑफ 4 प्लस और f ऑफ 4 माइनस। हाँ, तो f ऑफ 4 प्लस निकालेंगे, अब बात करने वाले हैं f ऑफ 4 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट, इसी को नाम है राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो a ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन में ये तो बताएगा ही 4 प्लस h लिखना ही पड़ेगा, ये हो गया साइन में h टेंडिंग टू 0 है, ध्यान रखना ये बात, 4 से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 फिर से आएगा, और आप देख चुके हो पीछे इसी को लिखा था मैंने कि 0 से कम, तो 0 से कम हो गया आपका, इसकी वैल्यू फिर से हो गई -1, बहुत शानदार, अच्छी बात है। अब f ऑफ 4 माइनस लेते हैं, तो f ऑफ 4 माइनस लेंगे मतलब साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस h, ठीक है 4 माइनस h, फिर आपका अब यार देखो 4 से कम, अंदर वाला 4 से कम है, 4 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, अब हमें साइन 3 की वैल्यू चाहिए, फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, देखो फिर से ग्राफ बनाएंगे, कुछ साइन का ग्राफ बना लिया, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, पाई का मतलब 3.14, क्या 3 इससे पहले आएगा क्या, यहाँ पे पाई बाई 2, 1.57, 3 कहीं यहाँ आएगा क्या, इसके रिगार्डिंग देखो वैल्यू क्या इस बार 1 से कम हो रही है क्या, देखो तो बच्चों 1 से कम हो रही है क्या, ये वाली वैल्यू है साइन 3 की, ये वाली वैल्यू है साइन 3 की, ये वैल्यू 1 से कम है, मतलब इस बार आया 1 से कम, और 1 से कम की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब क्या आया देखो हमारे पास आया है f ऑफ 4 इक्वल टू -1, f ऑफ 4 प्लस इज इक्वल टू -1, f ऑफ 4 माइनस अनफॉर्चुनेटली आ गया 0, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, मतलब आपका आप ये कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और LHL बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कि फंक्शन आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x = 4। तो आप ऐसे ही x = 4 के बाद x = 1 पे और x = 2 पे तो निकाल चुके हैं, x = 2 पे और x = 3 पे भी आप चेक करना बिल्कुल सिमिलर वे में, जहां पे फंसे ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह में जहां पे आप फंस लगता है कि नहीं आप हम फंस जाएंगे, तो वहां पे तुरंत ही आप ग्राफ बना के देखो आगे पीछे की किस इंटीजर्स के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है, इंटीजर हो रही है या इंटीजर के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो सवाल आप लोग के दे दिया मैंने y इक्वल टू फ्रैक्स, ये आपका साइन ऑफ कॉस x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है gif, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, और ये तब है जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसकी वैल्यू जीरो है जब x इज इक्वल टू जीरो है। सवाल कह रहा है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपन लोग फिर से अट्रैक्शन है इस बार, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है तो अट्रैक्शन आया है तो अपन LHL RHL यूज करेंगे, मतलब LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ जीरो बराबर फाइनाइट, मैं फाइनाइट लिखना नहीं बोल रहा हूँ, मैं पता है अब तक आपको याद हो गया होगा, फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं गलती से भी मिस हो गया तो सवाल पूरा बंटा डाल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं LHL निकालते हैं, पहले f ऑफ जीरो तो लिख ले कितना है, सवाल f ऑफ जीरो अपनी तरफ से जीरो दे रखा है, ये आपका सवाल में गिवन है। देखो यहाँ पे x ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, अब हम बात करने वाले हैं साइन LHL निकाल रहे हैं। LHL के लिए मैंने कहा था कि पुट कर देंगे x के जगह पे 0 माइनस h, देखना इस बार थोड़ी सी चीजें मैं थोड़ा बदल के देखूंगा, थोड़ी सी देखने का मेरा तरीका अलग हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 0 माइनस h। अभी तक तो मैं इसको माइनस बोलता है, सब खा पी गया, सब खत्म हो गया, बट हम चाहते हैं कि 0 माइनस एच की मैं वैल्यू एक्चुअल में देखूं, कॉस के कितनी वैल्यू है और उससे के हिसाब से इसके आगे की लिमिट लगाऊं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह में मैं आपको कॉस का ग्राफ बना देता हूँ। देखो कॉस का ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसे, कॉस का ग्राफ बन गया, ये वाली वैल्यू है 0, ये है 0 पे इसकी वैल्यू है 1। अब देखो 0 से पीछे मतलब कहीं यहां और 0 से आगे मतलब कहीं यहां, ये 0 प्लस है और ये 0 माइनस एच है और ये 0 प्लस एच है। तो देखो 0 से पीछे की वैल्यू क्या 1 से कम हो जा रही है क्या, और 0 से आगे वाली वैल्यू भी इससे 1 से कम हो जा रही है, मतलब जो ये पूरी वैल्यू है वो अंतर में मैं लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन में, अब ये कह सकता हूं कि ये जो अंदर है वो 1 से कम हो रहा है, बस नीचे में 1 प्लस यहां पे मैं कह सकता हूं 1 से कम हो रहा है, और 1 से कम तो ये तो 1 से कम होगा तो 0 ही इसके पास चॉइस है होने का। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो गया साइन 0 नीचे में 1 प्लस 0, और साइन 0 की वैल्यू फिर अगेन 0 हो गई तो ये आ गया 0। बोला बच्चों का समझ में आ गई, ये हो गया 0। अब जरा राइट हैंड लिमिट हम निकालने चल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट यानी हम पुट करेंगे बिल्कुल बेसिक सी बात वही 0 प्लस एच पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन यहां पे हो जाएगा कॉस 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब जरा बताओ बच्चों क्या है ये 0 प्लस एच, 0 से आगे 0 प्लस एच वैल्यू 1 से कम दिख रहा है, मतलब कॉस की वैल्यू फिर से हम लिखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन में कॉस ऑफ, ये जो वैल्यू है वो 1 से कम हो रही है, और यहाँ भी वैल्यू 1 प्लस 1 से कम हो रही है वैल्यू, और 1 से कम का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये 1 से कम आता है 0, 1 प्लस 0 फाइनली फिर 0 आया। ध्यान से देखो इस बार LHL RHL f ऑफ 0 सब आ गया 0, मतलब फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका सवाल रहा कि देखो ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस। चलो फिर आगे थोड़ा बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे अब, तो आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना,
देखो फिर से मैं सवाल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा सवाल का लेवल थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लेवल, और यही पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही पता करना है अपने को। तो देखो सवाल है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2+3 साइन एक्स, और इसकी वैल्यू आपके मैंने ले लिया कि एक्स की वैल्यू आपका है मान लेते हैं 0 से 2π, 0 और 2π दोनों पे क्लोज इंटरवल है। तो मैं जरा सा अलग अलग कलर का चौक इस बार यूज करना पसंद करूंगा, तो अब मैंने ले लिया अलग अलग कलर के चौक। तो आप देखो जब मैंने आपको फंक्शन जब था ना फंक्शन पढ़ रहे थे, तो फंक्शन पढ़ते समय भी मैंने इसकी बातें बता रखी थी आपको कि ऐसे जब भी चीज आएगा तो हम इसका ग्राफ बनाना इम्पोर्टेंट है, और ऐसे यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन कॉस या कुछ ऐसे फंक्शन आएगा तो ऐसा आएगा जिसका ग्राफ आप जानते हो, ऐसा नहीं आ जाएगा जिसका ग्राफ ही हम नहीं जानते हैं कि की पावर में समथिंग डाल के साइन इनवर्स एक्स और कुछ ऐसा डाल दे जिसकी का कि हम ग्राफ ही ना जानते हो। तो जो भी आएगा वो ऐसा फंक्शन आएगा बेटा बेटा कि ये आपका इसका ग्राफ आप जानते हो, मतलब इसका ग्राफ आप इजिली ड्रॉ कर सको, ऐसा फंक्शन आएगा। तो हमको इसका ग्राफ आता है 2+3 साइन एक्स का, क्या होता है ग्राफ, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे उसके बाद ही हम इसके कंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एक एक्स एक्सिस हमने बनाया और एक y एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस है, हमको 0 से 2π तक के लिए जाना है। 0 पे वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू अगर 1 है, ये वाली वैल्यू अगर 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो कुछ 5 वैल्यू सबसे ऊपर आपका इसे कुछ वैल्यू 5 यहाँ हो जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा देखो 0 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। आपको पता ही होगा कि साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स ग्राफ 3 यूनिट मतलब 3 गुना हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे, यानी वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच होता है, एक्स एक्सपेंड होता है, और 2 जोड़ने का मतलब ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे गया पाई बाई 2 पे, ये आपका 5 यानी सबसे हाईएस्ट लिया, और फिर 3π/2 पे, पाई पे 0, पाई पे आपका 2, फिर ये 3π/2 पे ऐसे आते हुए सबसे लोवेस्ट आएगा, और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे फिर ये आपका 2π आते आते, 2π आते आते ये 2 तक जाएगा, 2π आते आते देखो ये 2π पे वैल्यू इसकी 2 हो गई, तो ये इसका ग्राफ है 2π पे वैल्यू इसकी 2 हो गई। मैं जरा ठीक से ग्राफ बना दूं क्योंकि तभी इसका कंटिन्यूटी वाला पॉइंट समझने में आसानी रहेगी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझने में आसानी रहेगी। तो ये आपका हो गया, अब ये आपका 0 है, देखो ये सबसे हाईएस्ट पे जहां पे लिया है वो पाई बाई 2 पे, आप देख भी सकते हैं कि पाई बाई 2 पे वैल्यू इसकी 3+2 5 हो जाएगी, फिर आपकी ये पाई वाली वैल्यू देखो पाई पे करते ही ये 0 दे देगा, फिर यहाँ वाली वैल्यू आपकी साइन की वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 कहीं ऐसी जगह हो रहे होंगे, ये कहीं हो रहा होगा, ये भी कोई वैल्यू ही होगा, ऐसे ये वाली जगह आपकी हो जाएगी, ये वाली जो जगह हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2π, और ये वाली जो सबसे मिनिमम जगह है आप देखो साइन जो 3π/2 होगा, 3π/2 पे -3 तो माइनस मतलब -1 × -3 हो जाएगा, +2 -1 आ गया, तो ये 3π/2 वाली जगह है। बट हमको इससे कम ज्यादा मतलब किसे हमें नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है तो ये कौन सी जगह पे है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो ये बताना है कि कितने जगह ये ग्राफ टूटा होगा। एक्चुअल में ये ग्राफ तो अभी हम अंदर वाले का बनाया है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया ही नहीं है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के लिए मैंने आपको बता रखा था कि आपको क्या करना है, जितने ग्राफ की हाइट है उनके बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स के लाइन को आप ऐसे इनके बीच की इंटीजर्स की लाइन को आप ड्रॉ कर लो। तो 1 वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा रहने देता हूं इन सब चीजों को, साफ सुथरा रहने देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा ये आपका, मैंने इसके ग्राफ को ये देखो ड्रा किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप साने देता हूं, इसके लिए यहाँ पे ये 2π ही है,
तो ये हमारा बन चुका है। अब जरा देखो, तो हमने एक ये टू वाली लाइन खींच लिया ये, और एक ये वन वाली लाइन, इसके ऊपर ये तीन वाली लाइन। थोड़ा साफ ग्राफ रहेगा तो आपको देखने में फील आएगा इसका। ये फिर फोर वाली लाइन, फोर इंटीजर वाली, फिर ये फाइव इंटीजर वाली लाइन जो कि सबसे टॉप मोस्ट होके गई है। फिर यहाँ पे माइनस वन वाली इंटीजर वाली लाइन, ये माइनस वन की हो गई। अब ये, अब मैंने कहा था कि ये ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, तो किसी दो पर्टिकुलर इंटीजर्स के बीच वाले ग्राफ को नीचे गिरा देता है ये ग्राफ को। देखो ये देखो, अब जो बनाने जा रहा हूं वो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने जा रहा हूं। और अप्लाई करने का मतलब होता है कि किसी भी दो इंटीजर के बीच का जो ग्राफ होगा वो नीचे वाले इंटीजर पे गिर जाएगा। जैसे मान लो ये इस पे डाउनफॉल हुआ, यहां तक ये डाउनफॉल हुआ, जीरो से स्टार्ट किया और ये यहां तक ये डाउनफॉल हो गया। फिर यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी तीन है। देखो यहां पे जो भी जगह है यहां पे इसकी वैल्यू तीन है, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तीन हो जाएगा। और ये सारा जो इनके बीच का ग्राफ है ये सारा डाउनफॉल हो गया, यहां से लेके यहां तक ये वाला ये। फिर यहां की वैल्यू आपका यहां पे आ गया, फिर ये सब का सब ये डाउनफॉल, ये पूरा का पूरा ये डाउनफॉल हो गया नीचे यहां से लेके यहां तक। लकीली लेकिन ये बीच में एक जगह फाइव को छुआ था, यानी फाइव को टच किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा फिर यहाँ वाला सारा ये सब नीचे गिर जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे बन के यहाँ पे बनेगा, फिर ये ऐसे बन के यहाँ पे बनेगा। देखो ये सब नीचे गिरेगा, फिर ये ऐसे बन के यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्योंकि ये सब नीचे गिर गया, फिर ये ऐसे बन के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे ये क्लोज, यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू। फिर ये सारी वैल्यू यहां से लेके यहां तक देखो ये सब नीचे माइनस वन पे गिर गया है, ये सब के सब माइनस वन पे गिर गया है। तो यहां से लेके यहां तक माइनस वन पे गिर गया। आप देख लो यही माइनस वन था, माइनस वन से जीरो के बीच वाला पूरा ग्राफ नीचे अपने नीचे वाले इंटीजर पे गिरेगा, तो ये सब के सब गिर गया। अब फिर आगे बढ़ा आगे, फिर ये जीरो से और वन के, जीरो से वन के बीच वाले इंटीजर का सारा ग्राफ इसके नीचे डाउनफॉल हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो, और जीरो से लेके यहां तक की वैल्यू ये फिर से वन, फिर से यहां से, और ये आपके देखो टू है, जीरो से लेके टू वाला सारा ग्राफ यहाँ डाउनफॉल हो गया और यहाँ पे वैल्यू ये हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा देखो ये है, आप देखो इस पे सब चीजें अपने पास हो चुकी हैं, सब सारी बात आ चुका है, और ये सब देखो जो मैं इसमें खाली कर रहा हूं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो यहाँ वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पहुंचेंगे वैल्यू यहाँ पे पहुंचते इस ग्राफ के सारे, यहाँ तीन होगा, तीन की वैल्यू तीन नहीं देगा। अब आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करनी है। देखो टू पे तो ये पूरा ग्राफ है, टू पे भी है और टू के राइट भी है, टू पे भी है, टू के राइट है, टू के पीछे अपने को पता है, मतलब जीरो के पीछे ये वाली जीरो वाली लाइन है, तो जीरो के पीछे से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको दे नहीं रखा, जीरो से पीछे का मतलब ही नहीं, हमने कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वहां जीरो के पीछे पे बात ही नहीं कर रहा है। तो अब जरा बताओ देख के, क्या हम ऐसा आप कह सकते हैं कि जीरो पे ये फंक्शन आगे की तरफ भी है, जीरो पे है, दोनों पे वैल्यू सेम है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे एक जगह डिसकंटिन्यूअस, दो जगह, तीन जगह, चार, पांच, छः, सिक्स, सेवन, एट, फिर यहां भी है टूट गया, फिर यहां भी टूट गया, फिर यहां भी टूट गया, कितने जगह टूटा है काउंट कर लिया जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन यानी इलेवेंथ प्लेस ऐसे जगह है जहां पे ये फंक्शन टूटा हुआ है। फिर से गिन लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, मतलब जीरो से टू पाई, देखो यही टू पाई, जीरो पे लेफ्ट वाले पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस था लेकिन राइट वाले पॉइंट पे, मतलब आखिरी वाले बाउंड्री पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, फंक्शन टूट चुका है। तो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ, सवाल में सिर्फ पूछा था कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, और ऐसे सवालों में सिर्फ यही पूछता है कि कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं पूछता है कि कहां है, वो पॉइंट नहीं पूछता है, तो हमको वो पॉइंट से मतलब भी नहीं है इस बार, हमको सिर्फ ये बताना है कि कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 11। फिर से एक बार इस चीज को फिर से मैं बता देता हूँ, पूरी चीज फिर से अगेन मैं आपको सामने एक बार रख देता हूँ कि क्या करते हैं ऐसे केसेस में। मैंने बता रखा है फंक्शन के टाइम पे, इसको मैंने क्लियरली आपको दिखाया था ग्राफ बना बना के थोड़ा सा, और मैंने बोला था कि बाकी चीजें हम कंटिन्यूटी में जाके और अच्छे से इसको ग्राफ बनाएंगे और इलाबोरेट करेंगे। क्या है कि सबसे पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाओ। क्या करना होता है, स्टेप क्या होता है, स्टेप सुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है सबसे पहले, ये देखो व्हाइट चौक से जो ग्राफ बना है वो सबसे पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना, पहली बात। सेकेंड जब इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट देख लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम हाइट मतलब इसका रेंज, अंदर वाले का रेंज, रेंज है 5 से लेकर -1 तक। और रेंज अब जो ही इसका रेंज है उनके बीच में वाई एक्सिस वाला -1 से 5 के बीच में जितनी इंटीजर्स पड़ेंगी उनका हॉरिजॉन्टल्स लाइन खींच लिया। क्या -1 से 5 के बीच में जितनी इंटीजर्स पढ़ी उन सबका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। खींच लिया, खींचने के बाद देखो -1 वाली लाइन, फिर 0 वाली लाइन, फिर 1 वाली लाइन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि यहां से आपका जो किसी भी दो पर्टिकुलर इंटीजर के बीच के ग्राफ अपने नीचे वाले इंटीजर पे गिर जाता है। यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत है कि आप देखते हो हमेशा वैल्यू पीछे लेके आता है। जैसे 3.2 है तो उसको पीछे लेके जाएगा 3 पे, -1.2 है तो उसको पीछे लेके जाएगा -2 पे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर काम है कि आपने उसको पीछे करता है, मतलब नीचे खींच के लेके आया। और नीचे खींच के लेके आया तो ये देखो, आप देखो यहां से हम 0 से देखना चालू किए तो 0 पे पहला ग्राफ 0 से लेके इनके बीच में इतना है इंटीजर, इनके इंटीजर के बीच में तो ये सारा गिर गया। मतलब ये वाली जगह हो गई, ये जगह हो गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। एक्चुअल में पता है अगर मुझे अलग से ग्राफ बनाना होता तो मैं ये जो एक्चुअल में इसका ग्राफ है वो सिर्फ रेड वाला जो आपका ये जो आपकी जो भी ऑरेंज वाला या गुलाबी वाला जिसको ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी जिस भी कलर का है, इस कलर का जो चौक है इस कलर का आपका ही सिर्फ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर बना हुआ है। जो आपका इस कलर का आपका जो चौक है यही सिर्फ आपका, यही आपका सिर्फ बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ध्यान देना। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता चल गया 11th। अब आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मान लो कि सपोज कि मैंने लिखा एक और ऐसे सिमिलर सवाल, एक ऐसे करते हैं कि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से π तक। एक्स की वैल्यू आपका है 0 से लेकर π तक। फिर से सवाल आपके सामने आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स से लेकर 0 से π तक, ये आपका फिर से सवाल आ गया और पूछ रहा है कि कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर से ग्राफ आपके सामने ऐसा फंक्शन दिया है, इनसाइड फंक्शन जिसका ग्राफ आपको आता है। इसका ग्राफ कठिन बिल्कुल नहीं है, बेहद आसान ग्राफ है और हमने इसको कई बार आप लोगों ने बनाया होगा, एटलीस्ट 11th के ट्रिग्नोमेट्री में बनाया होगा। तो अब इसका फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं, देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं इसलिए 10 सेकंड वेट कर रहा हूं ताकि आप सवालों को, सवाल को थोड़े से देख सकें, अच्छे से देख सकें। फिर से मैंने ग्राफ बनाना चालू किया, ये आप मेरा वाई एक्सिस रहा, ये आपका एक्स एक्सिस रहा, एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा। अब बताओ इसकी 0 पे वैल्यू, ये 0 है तो 0 पे वैल्यू कहीं इसकी 0 पे देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी ये 1 से स्टार्ट करेगा। फिर ये जाएगा, ये पाई बाई 4 पे रूट 2 ले लिया, देखो पाई बाई 4 पे 1/√2 + 1/√2, रूट 2 मतलब कुछ वैल्यू ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ते हुए पाई बाई 2 पे ये वैल्यू, फिर से पाई बाई 2 पे ये वैल्यू, देखो पाई बाई 2 पे ये 1 ये 0, यानी पाई बाई 2 पे 1 ले लिया। फिर पाई पे ये वाला -1 और ये वाला 0, मतलब पाई पे -1 चला जाएगा और ये चला गया।
देखो यहाँ कहीं आपका वन है, यहाँ कहीं आपका ये वाला जगह माइनस वन है। पाई पे वैल्यू आपका माइनस वन ले लिया, ये वाली जगह आपकी पाई हो गया। पाई पे वैल्यू माइनस वन है, खिलाड़ी देख लो, जीरो पे जीरो, पाई पे माइनस वन, क्योंकि ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कॉस पाई मतलब माइनस वन, साइन पाई मतलब जीरो, तो माइनस वन आ गया। इसके अभी अनसाइड फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इनसाइड का, तो ये माइनस वन हो गया। और सबसे मैक्सिमम हाइट जो लिया है वो रूट टू लिया है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि सर जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप पे बताए थे फंक्शन में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज होता है माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, हमने इसका पढ़ा था कि इसकी वैल्यू होती है माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि ये तब होता है जब एक्स को भरपूर जाने का मौका मिलता है, मतलब एक्स को और नीचे तक जाने का मौका मिलता है। कहां तक, कौन सी जगह तक, तो पाई से आगे थ्री पाई बाई फोर तक, मतलब इसकी पता चला कि हमने आपका एक्स के ऊपर बाउंड लगा के मान लो यहीं तक दे देते हम, तो उस केस में रेंज इसकी ग्राफ की हाइट ऑफ ग्राफ, ये भी तो मैंने बताया था कि हाइट ऑफ ग्राफ भी होगा, हाइट ऑफ ग्राफ जीरो से लेकर रूट टू तक ही जाता, रेंज उसका तब कम होता। मतलब मैंने कहा था कि रेंज और डोमेन निकालने से, रेंज निकालने से पहले डोमेन निकाल लेना या डोमेन देख लेना, और ग्राफ बनाना हाइट ऑफ ग्राफ निकालना या डीवाई बाई डीएक्स मेथड से निकालना या जो भी मेथड हो, लेकिन ये ध्यान रखिए ये वाली जगह हमेशा नहीं होता है, वो एक्स की वैल्यू एटलीस्ट इसके मैक्सिमम और मिनिमम हाइट अटेन करने तक का एक्स होना चाहिए। यहां पे एक्स को रोक लिया है पाई तक, तो पाई तक वैल्यू माइनस वन दिया, रूट टू नीचे जाता उसके लिए एक और पाई मतलब पाई प्लस पाई बाई फोर वैल्यू की जरूरत पड़ती, वो नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा, ये रूट टू का मतलब होता है 1.414 कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर कहीं टू होगा, मतलब अपने पास वन से अब रूट टू से लेके और माइनस वन के बीच में इंटीजर एक ही सिर्फ इंटीजर है, वो है वन, और हमने ये वन की लाइन खींच लिया, ये जीरो वाली लाइन ही है ही और ये माइनस वन वाली लाइन है ही, ठीक है। अब ये लाइन हो गई, अब जरा देखो ग्राफ मैं गिराना चालू करूंगा, देखो जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखो ये सब वैल्यू टू भी पहुंच ही नहीं रहा है, टू टू ऊपर है, टू पहुंच नहीं, तो ये सबके सब नीचे गिर जाएंगे यहाँ पे, ये सबके सब, ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक गिर गया, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा गिर गया, ये पूरा हो गया। फिर इसके नीचे वाला ये सारा ग्राफ अपने नीचे ले आके गिरा दिया, मतलब यहाँ पे ओपन, और यहाँ से ये सारा ग्राफ यहाँ तक गिर गया। फिर ये वाला ग्राफ यहाँ पे ओपन, और ये सारा ग्राफ गिर गया यहाँ पे, और यही की यही वैल्यू रह गई, आगे कहीं नहीं गया। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हुआ, काउंट कर लो, एक जगह पहली बार ये टूटा, इस बार जो भी ये आपका जो इस कलर का चौक है, यही आपका जो बना हुआ है ना, ये वाला और ये वाला और ये, यही सिर्फ तीन ग्राफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो कितने जगह टूटा है, मात्र दो जगह, सिर्फ दो जगह, सिर्फ दो जगह। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ टू है। तो ध्यान से देख लो, ग्राफ बनाना है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आएगा, तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद हम लोग उसको पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, फिर ये भी आप हमेशा इसको दो पेन के से आप ये काम कर सकते हैं, दो पेन के हिसाब से काम कर सकते हैं, दो अलग अलग कलर का पेन ले ले, रेड पेन ले ले और आप एक व्हाइट पेन ब्लू पेन ले ले, फिर उसमें ग्राफ बनाए, पहले एक पेन से ये बनाए, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पेन आप ऐसे ग्राफ बनाते रहे, तो आपका पूरा का पूरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ को पहले इसको देख लेंगे कहां से कहां तक दिया है, फिर उसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब अगले सवाल की तरफ हम बात करेंगे, पहले हम हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों, थोड़ा आसान सवाल लेते हैं। अभी तक हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे काफी हमने बातें कर ली, और कुछ और सवाल, मतलब अभी कंटिन्यूटी का हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अगले पोर्शन पे हम गए ही नहीं, अगले पोर्शन पे थोड़ी देर में चलेंगे, अभी अगले पोर्शन पे थोड़े बढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएंगे अगले पोर्शन तक, अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सवाल आपका है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मॉडुलस वन, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि हमको आपको बताना है इन, और भी आ गया है इन एक्स बिलोंग टू जीरो टू थ्री, मान लो ये भी लिखा है इन एक्स बिलोंग टू जीरो टू थ्री। तो जीरो से तीन तक अपने को देखना है कि यहाँ पे देखो यही आ गया कि हमने आपको स्टार्टिंग में हेरिंग दिलवाई थी कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, इंटरवल के बीच में हमें कंटिन्यूटी, लेकिन पूछ रहा है कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा। और हम इस पूरे पे अब देखेंगे कि जो हमने पॉइंट आप लिखाया था, 7-8-10 पॉइंट लिखाया था, उसमें से एक पॉइंट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस वेयर इनसाइड फंक्शन बिकम जीरो, यानी ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वहां होगा जहां पे अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो पहले बताओ कि इसके चांसेस क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस वेयर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस वन, ये वाला जहां पे जीरो हो जाए इज इक्वल टू जीरो, तो ये मतलब ये वाला का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन के मतलब ये हो जाता है कि अगर थोड़ा ठीक से लिखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, एक्चुअल में और भी थोड़ा ठीक से कर लेता हूं इसको, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ आपके लिए। कि आप देखें यहाँ पे तो अंदर वाला फंक्शन एक्चुअल में ये जो लिखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वहां पे, अच्छा मैं बोल रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे इंटीजर होता है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ था, जीरो नहीं इंटीजर होता है, मैंने लिखाया था कि जहां पे इंटीजर होता है। तो अंदर वाला जहां पे इंटीजर होगा मतलब एक्स माइनस वन ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर में, तो ये वाला अंदर वाला एक्स माइनस वन इज इंटीजर, जहां पे इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन को लिखने का तरीका है एक्स माइनस वन, आप प्रॉपर्टी जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीजर बाहर निकल जाता है। फंक्शन में मैंने बताया था कि एक्स वन को बाहर निकाल के डब्बा बंद कर लिया, एक को बाहर निकल, इंटीजर को बाहर निकाला डब्बा बंद कर लिया, अपना दरवाजा खोला बाहर निकाला डब्बा बंद किया तो इंटीजर बाहर आ गया। अब बताओ ये इंटीजर कहां होगा, इंटीजर एट x इज इक्वल टू जीरो से तीन तक देखना है, जीरो वन टू थ्री। तो अब एक बात यहां से ध्यान देने वाली बात है, देखो रिमेंबर ये तो सबका आ गया जीरो वन टू थ्री, ये तो तीन चार पॉइंट सब लोग निकाल लिए होंगे कि सर हाँ सर इतने जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी हमने पिछले दो ग्राफ बनाया था उसमें हमने देखा कि जो ये आ रहे थे पॉइंट्स उसमें जो लेफ्ट वाला पॉइंट हो रहा था वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा था, कंटिन्यूअस हो जा रहा था, राइट वाले पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था। तो मतलब बाउंड्री पॉइंट पे हम श्योर नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट पे होगा क्या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो आपको चेक करना पड़ेगा। रिमेंबर इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ टाइप क्वेश्चन, जीआईएफ या फ्रैक्शनल पार्ट दोनों, एफपीएफ मतलब फ्रैक्शनल पार्ट टाइप क्वेश्चन ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट, जो इसका बाउंड्री पॉइंट होगा उस पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में कहीं पे लेफ्ट वाला जगह अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पे राइट वाला जगह नहीं अवेलेबल है। तो अगर लेफ्ट नहीं अवेलेबल है राइट नहीं अवेलेबल है तो हम श्योर नहीं है, इसलिए जब भी सवाल आपका आएगा इस टाइप का तो उस पे लेफ्ट या राइट बाउंड्री हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब हम चेक करते हैं लेफ्ट बाउंड्री पे, लाइक अब नाउ चेक करते हैं, इसको आप बढ़िया से रख लेना कि हाँ ये हमको याद रखने वाली बात बताई गई है, सर ने याद रखने वाली बात बताई है ये बात, तो इसको याद रखना है। तो हम चेक करेंगे, चेक एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू तीन, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो बराबर, एफ ऑफ जीरो निकालते हैं सीधे सीधे जीरो पुट कर दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन ये हो जाएगा मॉडुलस, ये हो जाएगा माइनस वन, बाहर आएगा माइनस वन इंटू माइनस वन, मॉडुलस दोनों मिलके वन हो गया। एफ ऑफ जीरो माइनस, जीरो माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस एच माइनस वन, फिर यहाँ पे जीरो माइनस एच माइनस वन मॉडुलस इज इक्वल टू, देखो जीरो माइनस एच माइनस वन माइनस एच, मतलब कि आप ऐसे सोचो
नंबर लाइन सिस्टम है, माइनस वन जीरो वन, और ये माइनस वन में माइनस एच जुड़ रहा है तो थोड़ा सा इधर कहीं आएगा माइनस वन माइनस एच, इधर कहीं आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे लौटा के देगा माइनस टू पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू इंटू यहाँ पे माइनस एच माइनस वन। और जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे इसमें तो लिमिट पुट करते ही माइनस टू इंटू माइनस वन, क्योंकि एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एच को टेंडिंग टू जीरो है तो पुट किया तो यहाँ पे आ गया आपका टू। और देखो आगे अपने को चेक करने की कोई मतलब नहीं है, हमने एफ ऑफ जीरो निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही आपका। अच्छा एक और बात है, क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल सकते हैं? क्या बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हमारे पास कोई मौका है? क्या सामने वाले ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोला हुआ है? तो नहीं निकाल सकते हैं, ये वाली चीज हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो से पीछे अपने पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, इसको हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही नहीं था अपने को, क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जीरो से आगे अवेलेबल है, जीरो से तीन इंटरवल दे रखा है, जीरो से तीन में जीरो से पीछे अवेलेबल नहीं है। तो हम राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस, और जीरो प्लस का मतलब ये हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, स्टिल आप माइनस वन बाहर कर सकते हो कोई आपत्ति नहीं है, जीरो प्लस एच माइनस वन मॉडुलस। फिर आप देखो यहां पे ये हो जाएगा, देखो माइनस वन प्लस एच, देखो मैं जरा दिखाता हूं, यहां कहीं माइनस वन है, यहां कहीं जीरो है, यहां कहीं आपका वन है, माइनस वन में थोड़ा एच जोड़ेंगे तो इधर कहीं माइनस वन प्लस एच हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे ले आके गिराता है तो माइनस वन पे गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एच माइनस वन। अब h टेंडिंग टू जीरो पुट किया तो माइनस वन इंटू माइनस वन मॉडुलस में आंसर आ गया वन। जरा देखो तो सिर्फ यही दो निकालना था, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू वन, मतलब कॉन्टिन्यूअस। जीरो पे क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूअस, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब बात करेंगे तीन पे, अब x इक्वल टू तीन पे, x इक्वल टू तीन पे मतलब एफ ऑफ थ्री निकालेंगे, एफ ऑफ थ्री स्टिल देखो ये फंक्शन यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे x के जगह पे तीन पुट करेंगे तो मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस वन, तीन में से एक गया दो, दो का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, तीन में से एक गया दो, दो का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो का वैल्यू दो ही रह जाएगा तो टू इंटू ये ब्रेकेट की वैल्यू दो, यानी फाइनल आंसर हो गया चार। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो अपने पास जीरो से तीन तक अवेलेबल इंटरवल है, इसमें तीन से पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट भी अवेलेबल है, मतलब एल एच एल निकाल सकते हैं, मतलब एफ ऑफ थ्री माइनस निकाल सकते हैं, मतलब ए टी एक्स के जगह पे तीन माइनस एच माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस एच माइनस वन। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, बेटा देखो ये मत सोचना कि सर h इक्वल टू कहाँ से क्यों जीरो रख दिया, क्योंकि हमको ये वही हमेशा जीरो का मतलब यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो चल रही है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हम इतने बार कर चुके हैं कि अब उसको लिखना हम नहीं पसंद कर रहे हैं, बस इतना ही है, लेकिन यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो चल रही है। अब जरा देखो तीन में से h तीन माइनस टू हो गया, ये टू माइनस एच, ये हो गया थ्री माइनस एच माइनस वन ना, ये भी लिख सकता हूं मैं टू माइनस एच। अब देखो दो में से h मतलब दो में से थोड़ा सा कम, टू से थोड़ा सा कम, दो से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, टू से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, यानी यहां पे हो गया आपका वन इंटू टू माइनस एच। जैसे ही लिमिट पुट किया तो यहाँ पे तो वन तो बन रहा है, ये आपका वन इंटू टू आंसर आ गया टू। क्या यहाँ पे एफ ऑफ थ्री इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस आया? क्या नहीं आया? मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपको फाइनली आंसर मिला कि डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो आंसर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ मतलब डिसकंटिन्यूअस एट सिर्फ एक्स इक्वल टू वन टू थ्री, मतलब आपके पास आया है
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 2 3 जीरो नहीं है, ध्यान देना जीरो नहीं है, जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया, वजह राइट हैंड लिमिट है इसकी। और ये आप मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवालों में राइट हैंड वाली जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है जहां पे राइट हैंड लिमिट और जीरो यानी एफ ऑफ वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना होता है वो दोनों बराबर होती है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जो तो दूसरे वाले जो बाउंड्री पॉइंट होता है राइट साइड वाला बाउंड्री पॉइंट पे उस पे फंक्शन जनरली डिसकंटिन्यूअस आता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन ऐसा मैक्सिमम ऑफ द टाइम पे होता है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है कि सवाल मान लो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एंड x इन बिटवीन ज्यादा नहीं 0 से 1 है, दोनों पे क्लोज इंटरवल है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कहां कहां हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि जहां पे ये वाला इंटीजर होगा अंदर वाला जहां पे इंटीजर होगा एंड जहां पे ये 3x में ये वाला इंटीजर होगा, जहां पे दोनों जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलो पहला निकालते हैं, 5x का पहला इंटीजर 0 मतलब x बराबर 0 चलेगा दौड़ेगा, 5x बराबर 1 x बराबर 1 बाई 5 ये भी दौड़ेगा, 5x बराबर 2 x बराबर 1 2 बाई 5 ये भी दौड़ेगा, x 5x बराबर 3 x बराबर 3 बाई 5 ये भी चलेगा, 5x बराबर 4 x बराबर 4 बाई 5 ये भी चलेगा, 5x बराबर 5 x बराबर 1 ये भी चलेगा। इसके बाद आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे के लिए कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि इसके बाद वो सब x से बाहर हो जाएंगे, 3x में 3x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 ये भी चलेगा चलेगा ये, फिर 3x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 बाई 3 चलेगा, 3x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 बाई 3 चलेगा, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 1 चलेगा, और आगे लेके जाऊंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, मतलब टोटल प्रोबेबल, मैंने प्रोबेबल वर्ड क्यों यूज किया कि शायद अब हम एक बात सीख चुके हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो टोटल प्रोबेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 0 है, 1 बाई 5 है, 1 बाई 3 है, 2 बाई 5 है, 2 बाई 3 है, 3 बाई 5 है, 4 बाई 5 है, 1 है। लेकिन हमको कहाँ चेक करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो दो जगहों पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो 1 बाई 5, 2 बाई 5, 3 बाई 5, 4 बाई 5, 1 बाई 3, 2 बाई 3, ये जो आपके टोटल जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं ये 6 पॉइंट इन पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा डिसकंटिन्यूअस ही होगा 1 2 4 6 पॉइंट पे, ये लास्ट के बाउंड्री पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो चेक एट बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, बेटा बताओ 0 से 3 ही बस अपने पास 0 से 1 अवेलेबल है, तो 0 का राइट अवेलेबल है तो यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 प्लस, ये चेक करेंगे। तो चलो f ऑफ 0 निकाला जाए, f ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर था 5x प्लस 3x, वैल्यू पुट कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट था यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 × 0 प्लस 3 × 0 ये हो गया 0, शानदार। 0 प्लस मतलब 5, 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 0 प्लस h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 5h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3h। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ऐसे केसेस में
आपका 5H का मतलब H एकदम स्मॉल नंबर है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो बहुत कोई बढ़ेगा नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि खास वो 5 से मल्टीप्लाई करके बहुत एक या दो या बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। मतलब ये 5H की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 प्लस। अच्छा मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ H जो होता है वो H हो जाता है, ये मैंने बता रखा है ये बात। तो आपका 3H भी वैसे ही बाहर निकल गया 3H, और लिमिट H टेंडिंग टू 0 पुट किया तो 0 हो गया। मैंने बोल दिया 3H इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे लिमिट मैंने नहीं रखा, जबकि मैंने बोला हूं कि यहाँ पे लिमिट चल रही है साथ साथ, लिमिट H टेंडिंग टू 0 चल रहा है, पूरे हर जगह चल रहा है, तो लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब जरा बोलो क्या यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस आ गया, मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं रहा, मतलब एक पॉइंट तो कम हो गया। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। x इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 ऑफ x प्लस, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इंटू 1। और आप एक बात बच्चों जानते हो कि ये तो 5 का 5 बाहर निकल जाएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, और ये हो गया 0, यानी वैल्यू हो गई 5। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट अवेलेबल है, राइट नहीं अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, लेफ्ट अवेलेबल है, क्योंकि 0 से 1 में जाते हो तो 1 के पीछे अवेलेबल है। तो इस बार हम निकालेंगे एफ ऑफ 1 माइनस, एफ ऑफ 1 माइनस का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5, 1 माइनस एच प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में 3, 1 माइनस एच। अच्छा आगे 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 5h और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में 3 माइनस 3h, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में 3 माइनस 3h। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से 5 में से थोड़ा सा कम, देखो मैं आपको यहाँ पे कई सारी चीजें बता देता हूँ और फंक्शन की कई सारी चीजें याद दिला देता हूँ। एक तो ये भी हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में से हमेशा क्या करता है, इंटीजर को बाहर निकाल देता है, एक तो ये फंडा जानते हैं, एक फंडा जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है, मैंने क्लियरली बोल रखा था कि मतलब उसको गायब कर देता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब r प्लस x फ्रैक्शनल पार्ट में इक्वल टू सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r, ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं कहीं लिख दूं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r प्लस x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर r इंटीजर है तो, ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में आपको फ्रैक्शनल पार्ट जब पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे हो गया 5 में से 5 एच घटा देंगे तो यहाँ पे 5 में से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम और 5 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, प्लस 3 खत्म हो चुका है और यहाँ पे बच गया है माइनस 3h। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था कि माइनस h का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है 5, ये देखो 4 है, 4 प्लस माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा था 1 माइनस h, तो 1 माइनस 3h, और जैसे ही लिमिट पुट किया h इक्वल टू 0 तो ये आ गया 4 प्लस 1 5 और ये तो 0 हो गया। देखो मैंने कहा था मोस्ट प्रोबेबली राइट वाला जो बाउंड्री पॉइंट होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे हेयर आपको दिख रहा होगा ये दोनों बराबर आ गया, मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, देखो ये भी 5 वो भी 5 कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आपका हो गया यहाँ पे, मैं आंसर लिख देता हूं फाइनली, देखो मैंने फाइनली आंसर लिख दिया कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। देखो कहा क्या क्या हो गया, देखो बोर्ड आपके सामने है, 1 पे कॉन्टिन्यूस और 0 पे कॉन्टिन्यूस, 0 और 1 दोनों पे कॉन्टिन्यूस हो गया, बीच के सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहेगा, आप चेक कर लेना किसी भी पॉइंट पे, तो बीच के सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, 1/5, 1/3, 2/5, 2/3, 3/5 और 4/5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सवाल बढ़िया है, आई होप मजा आया होगा, इसमें काफी बढ़िया सवाल है, मतलब ये सवाल वो सवाल है कि जिसके किसी के मन में एक धारणा बन जाती है कि सर ने अभी तक जितने सवाल कराए हैं उन सवालों में लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो
कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है, लेकिन जो राइट वाला पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है। ये सवाल उस धारणा को गलत कर देता है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक कोई पैटर्न सेट नहीं किया कि नहीं बेटा ये आप यही याद रखो कि लेफ्ट वाला कॉन्टिन्यूस और राइट वाला डिसकंटिन्यूस। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये आपके सवाल कभी किसी भी समय पर डिपेंड करता है कि क्या आया है सवाल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच के बाउंड्री के बीच के पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस तो पक्का है, बाउंड्री के बीच के पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूस पक्का है, लेकिन राइट और लेफ्ट यानी जो बाउंड्री पॉइंट है वहां पे कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ये रहा आपका उसका एग्जाम्पल, उस सवाल का ये रहा एग्जाम्पल।